नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो के रिजल्ट से पहले रिवाइज्ड आंसर की आएगी और आज रिवाइज्ड आंसर की आ गई। कुछ क्वेश्चन इसमें इनवैलिड कर दिए गए हैं, जो कि गलत कर दिए, मतलब अवैध कर दिए गए हैं। अब उनकी मार्किंग कैसे होगी, तो ध्यान रखिए उनकी मार्किंग सीधे नहीं होगी, जैसा नोटिफिकेशन से काफी लोग समझ रहे हैं कि चार क्वेश्चन इनवैलिड किया तो चार दूनी 8 नंबर उस सीरीज के सब बच्चों को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं तो बहुत बड़ा अन्याय है। और ना ऐसा होगा कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया उन्हीं को मिले। फंडा कुछ ऐसा है आयोग का, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। माना किसी ने, किसी के पहले 106 क्वेश्चन सही थे 150 में, निगेटिव मार्किंग हटा के। आज आंसर की जारी होने के बाद उसके दो क्वेश्चन जो सही वाले थे वो इनवैलिड हो गए और दो गलत वाले भी इनवैलिड हो गए। तो अब उसके क्वेश्चन बचेंगे 104 क्वेश्चन बचे टोटल सही 104 क्वेश्चन, और अब टोटल क्वेश्चन कितने बचे 146 इनवैलिड क्वेश्चन हटा के। 150 में चार इनवैलिड क्वेश्चन हमने हटा दिया, चार इनवैलिड क्वेश्चन है माना हटा दिए, तो टोटल 146 क्वेश्चन बचे। तो 104 बटे 146 इंटू 100 71.23% उसके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, अब जो इनवैलिड चार क्वेश्चनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे, इनवैलिड चार क्वेश्चन है तो टोटल 8 नंबर हुए, 71.23% ऑफ 8 मार्क्स, ये आपका लगभग 5.69 नंबर आ रहा है। तो अब उसके मार्क्स, टोटल मार्क्स जो होगा, अब जो उस लड़के का टोटल मार्क्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि पहले उसके 104 आफ्टर निगेटिव सही हुए, दूजा 208 नंबर। अब चार इनवैलिड क्वेश्चन की वजह से उसको मिलेगा 5.6984, ये इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। अब उसके मार्क्स हो गए 213.69। इस तरीके से आप भी, आपके जितने मार्क्स बच रहे हैं इनवैलिड हटा के, जितने क्वेश्चन सही हुए और इनवैलिड क्वेश्चन हटा के टोटल कितने बचे, जैसे 146 क्वेश्चन बचे या 23 की शाम वाले को, 22 की शाम वाले को 6 क्वेश्चन इनवैलिड किया गया है, तो अब 144 बचा। जितना आपका करेक्ट है 144 का कितना परसेंट बना, इंटू 12 कर देंगे जो इनवैलिड मार्क्स है, और उसको अपने में ऐड कर लीजिएगा। यहाँ एक्यूरेसी के परसेंट से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, टोटल अब वैलिड क्वेश्चन के अगेंस्ट आपके कितने नंबर बन रहे उससे मतलब है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से आप अपने मार्क जोड़ लीजिए। कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कि अन्याय हो गया 22 वालों के साथ, देखिए इसमें काफी लोग ऐसे हैं जिनके सही नंबर भी इनवैलिड हो गए, उनके सीधे दो दो नंबर का नुकसान हो रहा है, और कुछ को फायदा भी होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए। नमस्कार।